काफी इंस्टीट्यूट से कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है तो सभी लोगों को प्रथमता अभिवादन हमारा और इस कार्यक्रम में हमें जो सहयोग प्राप्त हुआ है बल्कि अगर हम कहें कि जो इसकी इसको इसके जो सूत्रधार रहे हैं वो मुख्य रूप से समर्थ सारस्वत जी जिन्होंने जो कि इस समय फेसबुक हैदराबाद में हैं और कोऑर्डिनेटर यूथ ग्रुप दिया हैदराबाद को भी संचालित करते हैं उसके कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर वरुण मानिक जी जो कि की मुंबई से हैं एंड डॉक्टर ए एन वर्मा जी जो फॉर्मर चेयरमैन हैं वाटर बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी मुंबई ये लोग भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने जो है अपना बहुमूल्य समय दिया और इसको एक मूर्त रूप में आप प्रोफेसर अमिताभ सराब जी जो की जिसका एक बहुत एक लंबा अनुभव और बहुत अच्छा एकेडमिक एक रिकॉर्ड है वो उन्होंने जो है इतने हमारे प्राचीन जो हमारी संस्कृति में जो इतने मेथड्स और जो चीजें थी उस पर आज एक उसको साइंटिफिक रूप और उसको इस तरीके कैसे हम हम उसको यूज कर सकते हैं आज के मॉडर्न डेज में एंसियंट मेथड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग उसपे आज आपका लेक्चर है और एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये आ, मतलब ये जो कार्यक्रम है शांत कुंज हरिद्वार में जो गायत्री परिवार आ, गुरुजी जी श्री राम शर्मा आचार्य ने स्थापित किया था आ, और प्रणव पंड्या जी आज उसको आज उसके वो हैं आ, उसके उनसे भी संबद्ध है और उनसे जुड़े हुए हैं सभी लोग तो ये हमारे लिए और भी हर्ष का बात है क्योंकि हमारा जो परिवार है उससे काफी पिछले 20, 20 परसों से मेरी जुड़ी तो इसके साथ में मैं अब चाहूंगा कि प्रोफ़ेसर अमिताभ शराब जी का हमारे जो आज के चीफ गेस्ट होंगे सर वो प्रोफेसर यशन मिश्रा जी हैं और वो अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट हमारे यहाँ प्रोफेसर हैं और बड़ा उनका अलग उनका भी काफी अपना सामाजिक क्षेत्र में काफी योगदान रहा है बड़ा वो रहते रहे हैं और इस तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बहुत बढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं तो ये भी एक हमारे लिए आनंद का विषय है कि उन्होंने अपना समय दिया है आ, आ, इसके बाद मैं चाहूंगा कि प्रोफेसर अमिताभ शराब जी के बारे में थोड़ा सा मैं डीप कर लू तो प्रोफेसर अमिताभ शराब कर जो मैं इस समय आउट स्टैंडिंग साइंटिस्ट साइंटिस्ट हैं टेक्नोलॉजी डायरेक्टर एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड Uh, आपका जो है पच्चीस वर्षों का एक्सपीरियंस है डिजाइन ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स में आपने जो है सेंसर डेटा प्रोसेसिंग रिटर्नसी मैनेजमेंट एल्गोरिथम्स और एयरक्राफ्ट कंट्रोलिंग एक्सेट्रा में काम काफी किया है नॉन लिनियर सिस्टम राइटिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड करेंटली आप जो हैं एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर एयरोप अप्लिकेशन एंड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स वगैरह में भी काम कर रहे हैं आपने पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप 2001 से 2003 तक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से किया था और पीएचडी आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलोर से किया था बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान है और आ, आपने फिर एम भी जो है आईआईटी मुंबई से किया था अभी आई का जो है पिछले पाँच छः वर्षों से लगातार एन रैंकिंग में फर्स्ट रैंक आ रही है तो हम लोगों के लिए भी हर्ष का विषय है और बीटेक आपने आईआईटी मुंबई से किया था और आपने जैसा हमने बताया कि आप फ्लाइट कंट्रोल की डिजाइनिंग और एयरफोर्स इन सभी में आप अपना योगदान दे रहे हैं कई सिमुलेशंस में मॉडलिंग ऑफ लै, लैंडिंग गियर सिस्टम मॉडलिंग ऑफ मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम परचेज सिस्टम इन सभी में आपने मॉडलिंग ऑफ आप हाइड्रोलिक सिस्टम्स पे काम किया है और आपको बहुत सारे अवार्ड्स और रिकॉग्निशन मिले हैं जैसे कि प्रोफेसर सतीश धवन यंग इंजीनियर्स अवार्ड बाय कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट इन 2019 अग्नि अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सेल्फ रिलायंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एज ए टीम अवार्ड फॉर डिजाइन ऑफ अमोममेंट सिस्टम्स अग्नि अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सेल्फ रिलायंस 2012 सिमिलरली स्वर्ण जयंती अवार्ड इन 2008 फॉर गिवन बाय एनेटिकल सोसाइटी भाग यंग यंग साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2007 गोल्ड मेडल गिवन बाय रोटरी क्लब बैंगलोर एंड देन टेक्नोलॉजिकल सील फ्रॉम नेशनल एलोस्कोप लेबोरेटरीज एंड पीएस नारायण मेडल फॉर बेस्ट पीएचडी थीसिस इन मैकेनिकल साइंस देन सविता चौधरी मेडल फॉर बेस्ट पीएचडी थीसिस डीआरडीओ नेशनल साइंस डे अवार्ड एंड डीआरडीओ टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल अवार्ड फॉर 1994 अपार्ट फ्रॉम दैट आपने जो है सोशल एक्टिविटीज में भी आप हमेशा एक्टिव रहते हैं और उस, उसी का एक परिणाम है कि आज आपने इतना एक बेहद कार्यक्रम आप करा रहे हैं और आप उसमें मुख्य वक्ता के रूप में हैं तो बहुत सारे कुछ हैं इनको अब हम इतना पढ़ेंगे तो पूरा बहुत सा टाइम लग जाएगा तो इन्ही के साथ इन्ही शब्दों के साथ हम प्रोफेसर अमिताभ सराब जी को जो है आमंत्रित आम करते हैं कि वो प्रोफेसर अमिताभ सर आपके पहले हम प्रोफेसर सॉरी सर प्रोफेसर यशन मिश्रा जी जो कि आज के चीफ गेस्ट हैं आप सर दो शब्द जो है कहें प्रोफेसर यशन मिश्रा जी प्रोफेसर यशन मिश्रा जी प्रोफेसर यशन मिश्रा जी जसन मिश्रा जी वो डिसकनेक्ट हो चुके हैं

Uh, भैया उनका है ना नेट कनेक्टिविटी इज नॉट गुड सो बार बार वो डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं okay. सारस्वत जी, जी तो आप ही उनको बुला लीजिए अगर एस मिश्रा जी जुड़े हुए हैं तो उनको आप चीफ गेस्ट के लिए एक बार बुला लीजिए हेलो मिश्रा जी आवाज सुनाई दे रही है मिश्रा जी एक्चुअली उनके भैया उनके तिवारी नमस्कार नमस्कार उनका नेट प्रॉब्लम है नेट बहुत वीक है बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है हाँ हाँ सुनाई दे रही है मेरी आप आप आवाज आ रही है, आ तो आ रही है। आ, मेरी आवाज आ ना रही है यस 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 आ रही है आपकी आवाज सो so, प्रोफेसर यशन मिश्रा जी आज के कार्यक्रम शुरू करा दीजिए है ना आज के कार्यक्रम के आप मुख्य अतिथि हैं और हमारा जो टॉपिक है एशियन मेथड नमस्कार बहुत 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 धन्यवाद एंशियंट मेथड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग आपका बहुत बड़ा सामाजिक आपका कार्य क्षेत्र में काफी अनुभव है और यहाँ पे अपलाइड बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पवन तिवारी जी को अवसर है आ, सर आप अपने कुछ दो शब्द जो है इस कार्यक्रम के लिए जरा बोलें भारत कैपेसिटी बिल्डिंग प्राचीन भारतीय संस्कृति में सर जी प्ली, जी प्लीज अनम्यूट सर प्लीज अनम्यूट प्लीज अनम्यूट अनम्यूट मिश्रा सर किया हुआ है मैंने बंधु नमस्कार सर्वप्रथम तो मैं डॉक्टर पवन कुमार तिवारी आईटी की जो कंप्यूटर साइंस के फैकल्टी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने डॉक्टर अमिताभ सर्राफ जी को आ, आई के प्लेटफॉर्म पर जिन्होंने इनवाइट किया हुआ है कि एंसियंट मेथड्स फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग पर लेक्चर देने के लिए और उन्होंने स्वीकृति अपनी प्रदान की हुई है काफी पार्टिसिपेंट्स में देख रहा हूँ जुड़ चुके हुए हैं और एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एंसिजेंट uh, मेथड्स जो हम सब लोग जानते हैं कि प्राचीन सूत्र जो है श्लोक हैं संस्कृत में ऐसे ऐसी चीजें हैं जो आज के कंप्यूटर साइंस में कितनी हेल्पफुल है और उन पर बहुत सारे रिसर्चेज हो रहे हैं जिनका हेल्प हम लोग ले रहे हैं वैदिक मैथमेटिक्स में भी ऐसे सारे बहुत सारे स्लोक्स हैं जिनसे काफ़ी नूमेरिकल कैलकुलेशंस बहुत इजीली किए जा सकते हैं तो एनशियनट मेथड्स तो बहुत हमारे आज के छात्रों के लिए टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए और सोसाइटी के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है तो ऐसे वा, 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 टॉपिक पर लेक्चर कराने के लिए मैं पवन जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने माननीय निदेशक महोदय और माननीय कुलपति महोदय धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ऐसी अनुमति दी कि ऐसे लेक्चर्स जो है हम लोग कंडक्ट कराएं तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत देता हूं और डॉक्टर अमिताभ सर्राफ जी का भी स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं जो अपने समय निकाल करके इस कार्यक्रम के लिए दिया हुआ है धन्यवाद धन्यवाद मिश्रा सर ना अब प्रोफेसर अमिताभ सर आप जी अब आप जो है अपना उद्बोधन शुरू कर सकते हैं शायद ये उपयुक्त समय है सर ओके थैंक यू वेरी मच सो आई हर्ड डॉक्टर विनय पाठक वाइस चांसलर ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी इज विथ अस डॉक्टर एच के पालीवाल डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ Uh, Dr. OP Singh, uh, Dr. Pawan Kumar Tiwari, um, and uh, of course uh, Professor uh, Mishraji. So uh, thank you very much for giving me this opportunity to be here with you. Our uh, q a talk uh, basically students' ke liye hai, so I would request students to uh, you know get a piece of uh, paper and pen, and maybe you know make some notes. Uh, what I'm presenting here today is based upon a lot of reading that I have done lot of material I have collected from uh, different places. plus it is based upon my own personal experience. So uh, I request them to you know uh, get a pen, pen and paper as I present my talk and also uh, make some notes. So uh, this, uh, this topic uh, is actually based upon a lot of uh, reading which I have done.

टॉक अबाउट इंडिविजुअल डेवलपमेंट पर्सनल डेवलपमेंट फिर फैमिली डेवलपमेंट इन द एंटायर सोसाइटी का डेवलपमेंट uh, शरी, सभ्य शरीर स्वस्थ uh, शरीर स्वच्छ मन और सभ्य समाज इसकी स्थापना uh, गायत्री परिवार का मिशन का विजन है और uh, थोड़ा सा यदि आप और पढ़ना चाहें तो मैंने नीचे लिंक्स दी हुई है जिसमें आप क्लिक करके और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं Uh, परिवार का जो मिशन है वो बहुत सारे uh, बहुत सारे टॉपिक्स uh, को लेके चलता है सोसाइटी so, uh, का डेवलपमेंट एजुकेशनल फील्ड में कंट्रीब्यूशन हेल्थ कॉपरेट एक्सलेंस डिजास्टर मैनेजमेंट कंडक्टिंग वेरियस ट्रेनिंग शिविर वर्कशॉप कैंप्स एटसेट्रा And uh, conducting research in various areas which are uh, beneficial for the whole society. So uh, uh, it's it's a very vast uh, mission which is uh, uh, which is doing a lot of good job for the upliftment of the whole society. Uh, fir बात uh, की uh, Divine India Youth Association. This was an initiative which was conceptualized under the guidance of Honorable Dr. A.P.J. Abdul Kalam. Uh, uh, कलाम साहब जब हमारे प्रेसिडेंट थे उस समय भी हमारी यूनिवर्सिटी संस्कृति यूनिवर्सिटी एंड ऑन नाइन्थर टू थाउजेंड सिक्स एंड अलोंग विद डॉक्टर प्रणव पंड्याप्चलाइज दिस होल आइडिया इंडिया यूथ एसोसिएशन टू क्रिएट अ डेवलप्ड नेशन बाई एजुकेटिंग यूथ पॉवरफुल नेशन बाई मेकिंग यूथ हेल्थी प्रॉस्परस नेशन मेकिंग यूथ सेल्फ रिलाय happy nation through courteous youth and superior nation through sensitive youth so this is actually for developing uh, youth uh, making them more cultured and uh, oriented towards uh, working towards uh, development of the whole society so uh, shanti kunj haridwar uh, this is uh, uh, this is the headquarters of all valdathri Parivar, a center where people are trained in ways to lead enlightened lives

Uh, Dev Sanskriti University. Uh, this is actually founded in uh, again the Haridwar, very close to Shantikunj. and uh, it is built on uh, our ancient uh, universities, Nalanda and Takshashila. It is also headquarters of Divine India Youth Association. And this uh, association is basically to reach to I am uh, one of the speakers. Uh, we conduct these workshops all over the country in different places and uh, you know it gives me a great pleasure to present before you a topic which is very relevant for today's youth and uh, i move on to the organization of the talk uh, basically i'll be talking about capacity building for, proper, uh, for professional growth uh, what is the meaning of capacity building we'll talk about that then i take some time and uh, talk about setting up holistic goals in life हमारे जीवन में समग्रता से अपने जीवन के लक्ष्यों का निर्धारण किस तरह से किया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आई टॉक यूनिवर्सल मॉडल फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ दिस मॉडल इन ग्रेट डिटेल मॉडल वो होता है जहाँ पे हम पूरी अपने लाइफ को ठीक तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी ग्रोथ को कैसे हम ग्रो uh, करें एक uh, नीचे के पायदान से ऊपर के पायदान तक किस तरह से uh, जा सकते हैं उसका पूरा रिप्रेजेंटेशन इस यूनिवर्सल मॉडल में है uh, कुछ एस्पेक्ट इस मॉडल के हम डिटेल में चर्चा करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग इंडिविजुअल लेवल पे बेसिकली इट मीन विच

so in a student's life for example what are the qualities which actually ensure success first part is sincerity we have to be very sincere whatever is taught in the classes whatever is taught in the school we have to listen uh, with sincerity and work uh, towards uh, you know developing those ideas uh, conceptualizing those ideas second part is managing the time if you manage our time properly we will start uh, automatically using the time well and

अभी अधिकतर स्टूडेंट्स हैं आप लोग धीरे धीरे यू विल एक्चुअली एंटर अ प्रोफेशनल फील्ड सो व्हाट आर द एक्चुअल गोल्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ सो बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल गोल इज टू टेक अवर सेल्स टू लीडरशिप रोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन When you start, you will be at a junior level, but the aim should be high. The aim should be to actually, you know, keep on progressing. Uh, as the time progresses, you will get more and more responsibilities. And finally, you have to end up uh, into a leadership uh, role. So, so that is a goal of a professional life. At the same time, what is also important is, organisation we have to take our organization to great heights. Right? so uh, this is the goal of uh, professional life capacity building really means instilling the right qualities qualities professionally grow and then ability to handle stresses failures and upsets so in no professional life uh, there will be you know, times when there will be stress there will be failures there will be upsets how to handle these well is also a very important portion of uh, capacity building

For the selection as well as continuing your work in the uh, uh, in your uh, professional field, uh, the next part which is very important is communication. Jobi kaam hota hai, wo actually communication se hota hai. You have to have, you have to be, you have to be able to build your team. You'll uh, you know you take association of a lot of people, so you have to learn how to communicate with others. So this is another very important aspect of uh, professional life. Next comes efficiency of task completion. All the work has to be efficiently in time. So uh, time is very important. The ability to manage time is again a very important skill which helps in professional development. Then as the life progresses there will be a lot of stresses that come. so we have to be able to manage these stresses properly. problem solving skill we, have, we should uh, the problems that arise, we have to develop a skill of solving these problems. And when this is uh, completed, we finally become ready to actually take up a leadership role in which we have to guide the teams together, uh, our own colleagues, we have to take them along with us and take the organization to great heights. So, professional life, all the qualities that we talk about, essentially are all this, uh, the entire capacity building is actually, uh, you know, uh, is completely encompassed by various qualities that I have mentioned here. Now, how's this talk different? Now, capacity building is a very well-researched topic. Uh, if you yourself try, you'll see a lot of material already available in uh, both internet as well as when you'll join an organization, you'll realize a lot of people talk about capacity building. So, it's a very well-researched topic. Uh, prime focus, of course, is on professional development because you'll get this when you're in a profession and uh, enhancing effectiveness in professional is the goal of uh, all these capacity building uh, topics. yeah, important behavior. Uh, normally we start working when we are about 25 years of age or comes kam sa kam uh, which is almost like 35 years of our life. Uh, we are in a profession, uh, literally spending eight to nine hours uh, every day. so it is very important that we have to learn how to excel in the professional field. Uh, However, I have seen in, in my own personal experience, as well as if you study these uh, topics in detail, personal excellence is something which is very important. right? When we actually excel personally automatically professionally also we start excelling. Jo bhi ne, uh, kiya hai professionally they have a lot of good qualities in their personalities which has helped them.

और उसपे ये चीज बहुत क्लियरली समझाई गई है कि किस तरह से प्रोफेशनल एक्सिलेंस जो होता है दैट इज एक्चुअली ए सबसेट ऑफ पर्सनल एक्सीलेंस यदि हम पर्सनल एक्सीलेंस पे फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली विल स्टार्ट एक्सेलिंग इन द प्रोफेशनल फील्ड ऑल्सो नाउ लेट मी टॉक अबाउट वाई एंशियंट मेथड्स तो कैपेसिटी uh, बिल्डिंग जो जो टॉपिक है वो एक्चुअली नया नहीं है बहुत पुराना है और हमारी संस्कृति जो भी मैं चर्चा कर रहा हूँ बेसिकली इंडियन कल्चर में ऐसी कौन सी मुख्य बातें हैं विच एक्चुअली हेल्प अस इन बिल्डिंग अवर ओन कैपेसिटी सो इंडियन कल्चर जो है इट इज वेरी एंशियंट बहुत पुराना है इसका ना आदि है ना कभी इसका अंत होने वाला है uh, कितने सदियों पुराना कितने uh, मतलब थाउजेंड ऑफ इयर्स ओल्ड दिस कल्चर इज बट इट इज स्टिल वेरी मीनिंगफुल क्योंकि इसमें देर इज अलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ हमारा जो मनुष्य का जो जीवन है उसकी समग्रता से उसको समझना ये केवल हमारी भारतीय संस्कृति में सिखाया गया है जैसे हमारे जो एस्पिरेशंस बताए गए हैं हम किन गोल्स के लिए काम करते हैं तो उसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष की चर्चा की गई है राइट सो इफ यू लुक एट ऑल अदर कल्चर्स द मेन फोकस हैज बीन ओनली ऑन अर्थ एंड काम so fulfilling our own desires and acquiring more and more of material world wealth that has been the focus of all the cultures but our culture is much much bigger it talks about what is righteousness jo dharm hai and moksha which is the actual liberation that we seek साथ ही साथ हमारे culture में एक कंसेप्ट है चार आश्रमों का ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास।

री यूनिक टू इंडियन कल्चर इट एम्ब्रेसायर ह्यूमैनिटी और बहुत से लोगों ने इंक्लूडिंग पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बहुत क्लियर भविष्यवाणी की है कि आगे चल के इंडिया इज गोइन टू बी द लाइट इंडिया इज गोइंट गाइड ऑफ द होल न्यू वर्ल्ड विच इज गेटिंग क्रिएटेड मतलब हम लोग पूरे विश्व के जगतगुरु बनने जा रहे हैं और इसके लिए सबसे बड़ा रोल जो है वो आज के यूथ को करना है दे हैव टू अंडरस्टैंड अवर कल्चर अंडरस्टैंड द बिहाइंड यू नो ऑल वेरियस रिचुअल्स दैट वी फॉलो द वे अवर कल्चर ग्रोज एंड वंस दे दे डू दैट शुड स्टार्ट अडोप्टिंग हालांकि अडोप्शन जो होता है इट हैज टू बी डन विद साइंटिफिक रीजनिंग वी हैव टू अडोप्ट व्हाट इज प्रूवन रेलिवेंट व्हाट इज टाइम टेस्टेड एंड व्हाट इज बियॉन्ड डाउट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जितने भी डॉगमास हैं जो बेसलेस चीजें हैं उन्हें अपने जीवन में अपनाएं वी हैव टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रेलिवेंट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट उसी को हम अपने जीवन में अपनाएं ब्लाइंड फेथ हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए साइंटिफिकली हमको सही चीजों को अपनाना चाहिए लाइफ में तो सबसे बड़ी बात है भारतीय संस्कृति की इट्स अ लिविंग कल्चर केवल हमारा एक इस हमारी ये संस्कृति ऐसी रही है जहां पे समय समय से ऐसे अनेक मास्टर्स ने बर्थ लिया है हु हैव टॉट अस व्हाट इज द ट्रू ऑफ ऑफ लाइफ ओके वन सच ग्रेट मास्टर इज पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी फाउंडर ऑफ बोथ ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार एंड डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन अब फेंटिक स्पिरिचुअली एनलाइटेड पर्सन इन्होंने एक कंसेप्ट दिया है विच इज साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी जिसका मतलब होता है वैज्ञानिक वैज्ञानिक अध्यात्मवाद right? तो अध्यात्मवाद राइट तो क्या है हमारा जो जो रिलीजन है है हमारा जो अध्यात्म है, उसे एक साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखा जाए समय के साथ में कल्चर में क्या होता है कि बहुत सी भ्रांतियां घुस जाती हैं बहुत सी गलत विचारधाराएं घुस जाती हैं लोग उसे ही सत्य मानने लगते हैं उसे ही अपना कल्चर मानने लगते हैं हाउएवर बिकॉज you know time evolves a lot of things which are important at one point of time tend to become uh, not so useful at another point of time so we must have this attitude of even adopting spirituality with a scientific manner adopting only what is good and not uh, and rejecting what is not relevant so uh, he did intense sadhana throughout his life because he was a very enlightened spiritually enlightened person he did a lot of sadhana बट उसके साथ में भी उनकी साधना जो थी वो एकांगी नहीं थी इट वास नॉट फॉर हिमसेल्फ इट वास फॉर द फुल सोसाइटी ही अथर्ड मोर दन थ्री थाउजेंड बुक्स ऑन अल ऑल एसेंस्ट्स ऑफ़ ह्यूमन लाइफ राइट व्हिच इज़ अमेजिंग आप यदि देखें बाकी जो अथर्स रहते हैं दे में राइट ट्वेंटी फाइव �

Uh, when we are when we are down we set up some goals that we have in life right and these goals which we have have to be have to be actually chosen properly it has to be chosen with a lot of uh, thought process in place uh, identification of goals is important रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गोल्स uh, जो होते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जिन्हें अपनी सारी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए तो so so हमारी जो मानवीय चेतना है उसका एक्सपेंशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट राइट सो वी है वे दैट वी आर एबल टू

there are lots and lots of ups and downs that we have to uh, take only then we can attain our goals so we have to understand what are the various uh, forces that help us in actually growing up this uh, complicated path and then what are the various uh, forces which actually take us down right so in forces ka identification is actually capacity building when we understand what will actually help us to grow वॉट इसको जब हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो ऑटोमेटिकली अपना रास्ता हम क्लियर करते जाते हैं ऊपर उठने का गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करना जरूरी है वी टॉक अबाउट प्रोफेशनल डेवलपमेंट बट वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट वॉट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ वर्थवाइट वेल्थ एंड रिचेज आर मीन नॉट द एंड अधिकतर क्या होता है मतलब uh, हमारी सोसाइटी कुछ इस तरह की बन गई है जो वेस्टर्न इंफ्लुएंस हमारी सोसाइटी में है हमारे सोचने का तरीका ऐसा हो गया है दैट दैट वी बिलीव गेटिंग मोर ओनिंग बिग फैक्ट्रीज बिकमिंग बिग इंडस्ट्रीज दोज आर सपोज टू बी अवर एंड दो अवर गोल ऑफ लाइफ बट वी बस अंडरस्टैंड दीज आर एक्चुअली नॉट गोल्स ये सब साधन है हमें ऊँचा उठने के लिए एक्चुअली पर्प ऑफ ह्यूमन लाइफ इज रियली सर्च फॉर ट्रू मीनिंग ट्रू मीनिंग कैसे क्यों हम जन्म लेते हैं क्यों हमारा अंत होता है वॉट एक्सैक्टली डू वी रियली वॉन्ट टू अचीव इन लाइफ दैट अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड गोल्स हमारे ऐसा होने, ऐसे होने चाहिए जो हमें हैस दें एंड फुलफिलमेंट दें

ओके, okay? so, इन को समझने के लिए हमें अपने जीवन में अध्यात्म को ढालना बहुत जरूरी है so, बहुत हम बहुत कुछ कमाएं, बहुत कमाएं, अपने आप को पावरफुल बनाए अपने आप को ऊंचा उठाएं पर इसके इस साथ में हमारे जीवन में अध्यात्म को जुड़ना बहुत जरूरी है जब अध्यात्म और मटेरियल एक्विजिशन जुड़ जाता है तब जाके लाइफ का पर्पज सर्व होता है अध्यात्म इज लाइफ थोड़ी सी चर्चा कर लें वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन मटीरियलिस्टिक थिंकिंग मतलब भौतिकवादी सोच क्या होती है भौतिकवादी सोच जो है वो बेसिकली ये है कि लाइफ के जो गोल हैं दे बिकम एक्वायर वॉट अपील

and then what happens is it actually leads to divisive thinking मतलब हम अपनों को दूसरों से अलग समझने लगते हैं we develop short sightedness जो भी चीज़ आज हमें अच्छी लगती है केवल उसी के ऊपर हम ध्यान देते हैं we become very short sighted we don't see what is the long term impact of what we are doing the minds become narrow because we only think of our own selves we don't think about others and this kind of poor thinking that we develop because of materialistic approach to life

We start understanding what is life's purpose, and we work towards achieving it. The next thing which will be achieved is peace of mind. Our mind, becomes calm. Our outlook, becomes positive. Which means there is no nothing that happens in our life will perturb us. Right? We will always remain positive. We will always move towards the goal of our life. Uh, ups and downs, come, we will be able to handle it much better. And the, uh, as a result of that, we lack uh, all the uh, stress that is there in the life uh, gets removed. and the other interesting thing about uh, spiritual outlook is uh, job, jo vekti, actually spiritually developed happiness, hai. he starts radiating happiness. means whoever comes actually in contact with such people also become happy because they start understanding what is the purpose of their own lives and what is it that they need to do. ियल एक्विजीशन जो है उसके साथ ही साथ हमारे जीवन में अध्यात्म की समझ होना बहुत जरूरी है तो अब हम चर्चा करते हैं एक कैपेसिटी बिल्डिंग के मॉडल का विच विल हेल्प इन पर्सनल ग्रोथ दिस मॉडल इज सपोज टू भी यूनिवर्सल मतलब हम केवल प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात नहीं करें किसी भी डायरेक्शन uh, में हम जाते हैं जो भी हमारे uh, जीवन की इच्छाएं हैं जिनमें हम पूरा करना चाहते हैं दिस मॉडल शुड भी एप्लीकेबल फॉर ऑल दीज एस्पेक्ट राइट इट शुड लीड टू लॉन्ग टर्म है मेजर रिक्वायरमेंट्स तो ये मॉडल जो है इसके डेवलपमेंट की बात है जब हम इस मॉडल को समझ पाते हैं तो ऑटोमेटिकली वी स्टार्ट Moving in the right direction. So, uh, जैसे आप लोगों को ऑलरेडी पता चली चुका है आई एम बेसिकली एन एरोस इंजीनियर और जब ये मैं टॉक बना रहा था आई रियलाइज की देर इज अट ऑफ सिमिलैरिटी बिट्वीन हाउ एन एयप्लेन फ्लाई एंड हाउ ह्यूमन बींगली अटेन प्रोग्रेस इन देयर लाइफ

so this is how an airplane actually fl uh, flies when the lift is more than weight and the thrust is more than drag the, obviously the airplane starts moving forward and it starts climbing okay and there is something inside the aircraft which is called as an engine which is the main which is the main concept which actually generates uh, thrust so under jo engine hota hai so this fire is the one which generates uh, the thrust Okay. So we will talk about how does it actually relate to our personal uh, improvement. Upne life makes progress kar sakte using a model of an airplane. So let's talk about these uh, forces one by one. Human life ke liye thrust. Kya hota hai? The thrust that actually takes the human life forward is actually nothing but hard work. Okay. So hard work can be equated to thrust. When we do a lot of hard work, there is nothing that can stop us in attaining uh, progress. Forward movement is possible only by putting in efforts. Hard work adds value to success. The interesting part is uh, if we try to take shortcuts, if we try to do things, where, or if we say that it's because of our good luck, or for somebody else, for example, somebody has good luck, that is why uh, he has made good progress in life, you can be assured that such kind of success can actually never give happiness. Success without efforts and success with shortcuts actually brings only momentary happiness and finally long-term unhappiness. Only the success which is attained by putting in hard work gives value to success. So this is the importance of hard work. This is the thrust which will take us forward. Okay. So this is how human life is. We, we, the, the, the uh, you know, the important quality that we have to develop within ourselves is this capability to do hard work. Now, drag, the force which actually stops progress. Whatever capabilities that we have, whatever valuable resources that we have, if we do not use them properly, it actually causes drag. It does not allow us to progress quickly. So, what are valuable resources on which we have to you know, pay special attention to and make sure that they uh, do not get wasted. Pehla hota hai, we have to understand how to conserve our time.

है, उनका वेस्टेज को हमको रोकना है so well, neglect, आलस्ये के, आलस्ये को अपने आप से हटाना यदि हम आलसी रहेंगे तो दैट अपोजर प्रोग्रेस देन लैक ऑफ मैनेजमेंट स्किल लॉट ऑफ पीपल जो जिसे व्यवस्था बुद्धि कहा जाता है व्यवस्था बुद्धि को यदि हम जागृत करते हैं तो उससे ये ड्रैग हमारा कम होता है राइट सो दीज आर द वेरियस एस्पेक्ट्स दैट वी हैव टू इंश्योर फॉरवर्ड डायरेक्शन अब हम बात करते हैं ग्रेविटी की व्हाट आर द थिंग्स व्हिच मेक अस व्हिच डू नॉट अलाउ अस टू एक्चुअली गो अप राइट सो दिस इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द रॉन्ग एटीट्यूड्स दैट वी हैव हमारे चरित्र में हमारे चिंतन में जो uh, तरह तरह की uh, विकृतियां भरी हुई हैं उन विकृतियों को हटाने का काम ऐसा ही है जैसे अपने अपने अंदर के बोझ को कम करना अपने वजन को कम करना सो so, uh, इन इन uh, ये जो ये जो वेरियस क्वालिटीज हैं द रॉन्ग एटीट्यूड दैट वी हैव एंड द इल टेंडेंसीज दैट वी हैव दीज कैन बी लिस्टेड लाइक दिस सो जिसे हिंदी में कहते हैं काम क्रोध मद लोभ मोह दुर्भाव और द्वेष ये ये जो ये जो क्वालिटीज हैं दे आर ऑल बैड क्वालिटी मटीरियलिस्टिक डिजायर एंगर अपने क्रोध को कम करना ईगो टू थिंक अवर सेल्स एज मोर सुपीरियर टू अदर्स और दूसरों को नीचा समझना ग्रीड लोभ अटैचमेंट मतलब अपने ही लोगों के प्रति अटैचमेंट रखना उन्हीं के बारे में सोचना उन्हीं की प्रोग्रेस के बारे में सोचना मेलेवलेंस दूसरों के प्रति दुर्भाव रखना फाइट अगेंस्ट ऑल दिस ओनली देन द लाइफ विल बिकम मोर मीनिंगफुल एंड फाइनली द लिफ्ट वॉट इज इट दैट इज कॉल्ड इज लिफ्ट वॉट इज इट दैट एक्चुअली टेक्स टू दर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ वॉट आर द वेरियस क्वालिटीज राइट सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ रिफाइंड कैरेक्टर एंड प्योरिटी ऑफ थॉट्स अपने विचारों की प्योरिटी राइट उन्हें अपने विचारों को अच्छा बनाना सुंदर बनाना और अपने चरित्र को रिफाइन करना ये एक्चुअली ऐसा है जो एक्चुअली हमको ऊपर और अधिक ऊपर लेके जाता है सो व्हाट आर द क्वालिटीज विच वीव टू एडोप्टन आर ओन सेल्स विजडम मतलब समझदारी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग सो वंस वी स्टार्ट अडोप्टिंग दिस विजडम वी स्टार्ट एलिवेटिंग आर सेल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें ठीक तरह से निभाना और अपने आप को प्रूव करना हर किसी के लिए अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ठीक तरह से निभाना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो वेदार्टमिंग मोर एंड रिस्पॉन्सिबल ऑटोमैटिकली नॉट जस्ट यू नो इन एवरी फील्ड लाइक फॉर एग्जाम्पल इन प्रोफेशनल फील्ड ऑल्सो यू रियली स्टार्ट गोइंग अपन यू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटीजन टू यू ऑनेस्टी इज अ ग्रेट क्वालिटी ईमानदारी जीवन में होना चाहिए करेज या बहादुरी ओके okay? सो so, इन चीजों को इन क्वालिटीज को अपने अंदर अडॉप्ट करना अलोंग विद दैट रिस्पेक्ट फॉर अदर्स तो शालीनता अपने अंदर स्थापित करना और हेल्पिंग एंड अपलिफ्टिंग अदर्स दूसरों की मदद लेना दूसरों की मदद करना सहकारिता जब हमारे अंदर डेवलप होती है दिस पुट टुगेदर आर द क्वालिटीज विच एक्चुअली टेक अस अप अगेन नॉट जस्ट इन एनी यू नो स्पिरिचुअल फील्ड बट इवन इन प्रोफेशनल फील्ड दीज आर द क्वालिटीज विच एक्चुअली टेक यू अप

और इस इंजन के अंदर जो फायर होती है जो फायर फायर देख सकते हैं एक्चुअली नथिंग बट इंटेंस डिजायर हमारे अंदर आकांक्षाएं होनी चाहिए ऊपर उठने की आकांक्षा तो ये जब आकांक्षा डेवलप होती है तो हमारा जो इंजन है वो काम करता है इट गिव्स अस स्ट्रेंथ एंड देन इट व्हेन यू पुट इन हार्ड वर्क मूव इन द राइट डायरेक्शन सो नाउ एज यू कैन सी इथरी कॉम्प्रीहेंसिव मॉडल आई टॉक्ट अबाउट लॉट ऑफ एस्ट्रेक्ट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट राइट right? uh, एक एक टॉपिक के बारे में यदि हम चर्चा करें तो इट कैन टेक लिटरली अ होल डे तो uh, अब हमारे पास में ना उतना समय है uh, जो जो हम हर टॉपिक uh, के बारे में चर्चा कर सकें सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ कोर्स आई वुड स्टिल लाइक टू टॉक अबाउट सो फर्स्ट वन इज अबाउट द इंटेंस डिजायर एंड द इनर स्ट्रेंथ तो हम उस एंजिन की बात करते हैं विच एक्चुअली प्रोड्यूस द थ्रस्ट टू मूव फॉरवर्ड एंड देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट इंपोर्टेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल

ऊंचा से ऊंचा क्वालिफिकेशन हम पाना चाहते हैं धन पाना चाहते हैं हर चीज का स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज डिजायर जब अंदर आकांक्षा डिजायर जागृत होती है देन वी स्टार्ट एक्वायरिंग ऑल दीज ग्रेट क्वालिटीज एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है आप देखें वेन एवर वी हैव दीज बोर्ड एग्जाम्स और इवन एंट्रेंस एग्जाम्स लॉट ऑफ टाइम्स वेपन पुअर चिल्ड्रन एक्चुअली परफॉर्म मच बेटर देन रिच चिल्ड्रन तो जबकि देखा जाए तो एक्चुअली जो अमीर बच्चे होते हैं उनके पास में हर तरह के रिसोर्सेस होते हैं सब तरह की कन्वीन होती हैं पर दे डू नॉट परफॉर्म वेल द मेन रीजन फॉर दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ डिजायर विच शुड बी देयर इज एक्चुअली लेस उनके अंदर वो आकांक्षा नहीं होती है टू टेक फॉरवर्ड जबकि देखा जाए जो पुअर चिल्ड्रन होते हैं जो जिन, जिनका आर्थिक रूप से जो संपन्न नहीं हो उनके मन में ये नीड हमेशा खलती रहती है दे रियलाइज दैट दे आर नॉट लिविंग अ गुड लाइफ एंड दे है इंटेंसिटी अभाव जिस चीज का है नीड सो दिस नीड एक्चुअली क्रिएट्स डिजायर इन दम एंडर एक्चुअली टेक्समलीस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज टू डेवलप दिस डिजायर डिजायर इज लाइक अ मैग्नेट

not just money support and resources even circumstances are seen to evolve slowly according to our own desires rab there have been lots of people who have actually started from very low uh, you know the initial conditions have not been so good but they have gradually progressed and achieved great heights and this is because they have had that desire in them to continue on their path desire to it's a universal principle behind success of every great person

जो जेन मास्टर है उस बच्चे को लेके उस बालक को लेके गए और एक नदी में गए और उसके बाद में डिप यू गेट क्लीस एंड देस ऑफ लर्निंग सो द मूमेंट दिस बॉय फेस इनसाइड वॉटर जब उसने डुबकी लगाई तो मास्टर ने उसका सिर पकड़ लिया ऊपर से एंड डिंट लेट हिम कम आउट सो so, थोड़ी देर के बाद में क्योंकि उसकी सांस रुकने लगी यूज ब्रेथलेस सो ही बिकेम वेरी वेरी डेस्परेट एंड ही नो वॉट टू डू सो वेन यू ग्रू वेरी वेरी डेस्परेट देन आफ्टर सम टाइम मास्टर लेफ्ट इज हेड एंड लेट इम कम आउट तो जैसे ही वो बच्चा ऊपर आया तो उसके बाद में मास्टर uh, ने उससे पूछा वॉट डिड यू वॉन्ट वेन आई पुट यूर फेस इन साइड वॉटर सो इड आई डेस्परेटली वॉन्टेड टू ब्रीथ मेरी जो uh, हवा की जो मुझे कमी लग रही थी दैट वॉज वेरी वेरी आई वॉज वेरी डेस्परेट टू ब्रीथ तो मास्टर ने बोला दैट इज वॉट इज द इंटेंसिटी दैट यू रिक्वायर टू है मतलब आध्यात्मिक लक्ष्यों को भी यदि हम पाना चाहते हैं उसके लिए अपनी आकांक्षा को जागृत रखना बहुत जरूरी है अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए जब तक हमारे अंदर आकांक्षा नहीं होगी तब तक हम ऊंचा नहीं उठ पाते हैं Uh, एक इंटरेस्टिंग बात ये आती है बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हम uh, हमारे मन में कुछ इच्छा होती है वी स्टार्ट हैविंग डिजायर बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू नो वी आर नॉट एबल टू एक्चुअली गेट व्हाट वी रियली वांट तो उसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट इज अ विश एंड व्हाट इज अ डिजायर विश मतलब होता है हमारी कल्पना ओके okay? और डिजायर का अर्थ होता है हमारी आकांक्षा तो इसके बारे में थोड़ा सा बताया जा, जा आप सुनिए, so so well हमारी कल्पना और हमारी आकांक्षा दोनों ओरिजिनेट एक ही जगह से होती है वेन एवर देर इज एन एबसेंस ऑफ समथिंग हमें किसी भी चीज का अभाव जब होता है और उसके बाद में जब हम ये इमेजिन करते हैं कि जब भी हमारा अभाव दूर हो हमें एक्चुअली जो चीज हमें चाहिए जब हमें मिल जाएगी तो वॉट इज द काइंड ऑफ हैप्पीनेस दैट वी आर गोइंग टू गेट वेन वी एक्चुअली थिंक अबाउट दीज थिंग्स राइट दिस इज कॉल्ड एज विश ओके विश सो दिस इज अवर इसे इसे कल्पना कहा जाता है तो जब हम कल्पना करते हैं तो इन दो चीजों पर ध्यान देते हैं कि uh, क्या हमारे पास अभाव है और जब उस अभाव को हमारा जब अभाव हमसे दूर होगा तो हमें किस तरह की खुशी मिलेगी बट दिस इज ओनली कल्पना बियॉन्ड दैट वी हैव टू गो 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 फर्दर वेन द नीड टू एक्वायर बिकम्स इंटेंस ओके वेन दिस इंटेंस डिजायर लीड्स टू रेस्टलेसनेस एंड इंपेश मतलब है अंदर जब छटपटाहट जागृत होती है उस लक्ष्य को पाने के लिए वेन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज वो साधन हमारे पास में उपलब्ध है या नहीं या वो क्या पॉसिबिलिटी है जिससे हम इन साधनों को एक्चुअली पा सकें वेन ऑल दीज थिंग्स कम टूगेदर देन दिस इज कॉल्ड डिजायर ओके सो डिजायर इज नॉट विश इट इज ये आकांक्षा जो होती है ये कल्पना नहीं होती है आकांक्षा में बहुत सी ये क्वालिटीज एक्चुअली साथ पे जुड़ी होती है तो जब भी हम ये कहें कि हम एक्चुअली जो पाना चाहते हैं वो नहीं पा रहे हैं उसका मेन कारण ये होता है कि हमारी आकांक्षा में इन चीजों की कमी है हम केवल कल्पना कर रहे हैं हम एक्चुअली भी आकांक्षा नहीं कर रहे हैं सो जेन्युन नीड एंड पॉसिबिलिटी ऑफ अचीविंग द विश दैट इज वॉट इज डिजायर True desire leads to restlessness and inspires action. तो so, वो आकांक्षा तभी काम करती है जब हमारे अंदर वो छटपटाह जागृत हो and which inspires us to actually start taking actions okay so now what is the what is the utility of this uh, having desires ha apne andar aakankshaon ko jagrat karna to hamari buddhi jo hoti hai it is actually uh, it, it, contains lots of uh, resources which actually lie dormant matlab मतलब jo ठीक से प्रकट नहीं हो पाती ऐसी बहुत सी शक्तियां होती हैं जो हमारे अंदर ठीक से प्रकट नहीं होती हैं और उनको प्रकट करने की जो जो तरीका है वो एक्चुअली इससे शुरू होता है हमारी आकांक्षा से शुरू होता है तो वंस वी गेट दिस डिजायर व्हाट हैपेंस इज वी स्टार्ट डेवलपिंग समथिंग कॉल्ड इज रिसर्च स्किल मतलब जिस क्षेत्र में हम काम करना चाहते हैं उसकी हम जानकारियां इकट्ठी करने लगते हैं We, our creativity starts developing because this intense desire is there. There's a fire inside us which is driving us forward. So our creativity starts developing. The capability to take good decisions start uh, developing. We start impressing others. We start taking help of others. We influence so that they can start supporting our uh, role. And at the same time we start developing problem solving skills so all these great qualities actually are a function of how much desire we have right to awaken all these power centers that exist within our brain we must first of all have to have a good desire to make progress right automatically these various qualities start developing within us the next problem that comes is how to keep the fire burning राइट तो फायर बर्निंग की जो बात है वो ये है कई बार क्या होता है हम अपना काम शुरू करते हैं इनिशियली वी स्टार्ट विद एंथम बट एट एज दोग हाउ डू एक्चुअली the right option remove all other alternatives we have to remove our fears and worries and and then we we start uh, moving forward. Whenever mind feels weak, we have to awaken desire and enthusiasm. enthusiasm Right? This is very important. तो ये, ये आप देखेंगे कभी भी कई चीजें जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हम लोग डिसाइड uh, तो करते हैं कि ये काम हम करेंगे हम यहाँ तक पहुंचेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू गेट यू नो बोर्ड बोर्डम सेट इन समुजिया इसके लिए ये जरूरी है कि जैसे काम हम करते हैं साथ ही साथ एक क्लियर पिक्चर अपने अंदर बनाते जाए विच कीप्स रिमाइंडिंग स्टार्ट दिस एक्टिविटी वॉट एवर दैट वी आर डूंगट कॉज डिज टू स्टार्ट दिस एक्टिविटी वॉट वॉज द अनहैपीनेस दैट वी हैड इन ऑन द एबसेंस ऑफ वॉट इज डिजायर्ड

all everywhere that you see there is competition. Uh, when you are students, you are competing with others. but even when you grow up, the competition stays as it is. you start competing with your colleagues. you have to be, finally you have to prove yourself. so at the same time, this competition is good because it helps in increasing our capabilities. okay, so that competition, competition, it is good because it helps in increasing our capability. but it's a fact that the whole nature, actually works on this principle of survival of the fittest so we have to develop uh, fitness uh, within ourselves so that we can succeed the other thing is achievements are reserved only for the strong people jobi log they have been very very strong they have developed the strength within themselves and that is what has taken them forward the other interesting part is all enjoyments of the world are also for the strong जो लोग स्ट्रांग होते हैं वही लोग एक्चुअली इस पूरे लाइफ का एंजॉयमेंट कर पाते हैं जैसे कि यदि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तो हम कितना भी मीठा खाने की कोशिश करें हमारा मन ही उसके लिए इजाजत नहीं देता है वी कैन नॉट एंजॉय यू नो द प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड टिल वी हैव द स्ट्रेंथ ओके सो वी हैव टू डेवलप द स्ट्रेंथ विद इन ओनली देन वी कैन एंजॉय ऑल द प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रेंथ गिव्स कॉन्फिडेंस सो वी हैव टू अडॉप्ट स्ट्रेंथ Gives self हम अपने निर्भर बनते जाते हैं और दूसरों के ऊपर डिपेंडेंस होता जाता है वॉक अलोन ओनली वेन यू डो नॉट डिपेंड ऑन अदर्स यू आर एबल टू रिलाई ऑन योर ओन स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑल्सो अट्रैक्ट सपोर्ट जब आपके अंदर बल होगा जब आप अच्छा काम करेंगे तो ऑलरेडी इजिली दूसरे लोगों का सपोर्ट आसानी से मिलते जाता है

अपना यश और अपनी कीर्ति को बढ़ाना डिग्निटी एंड फेम दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ अपने अंदर करेज को जगाना दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ एंड फाइनली ऑनेस्टी ओके तो जो अष्टभुजा दुर्गा है वो बेसिकली करेस्पॉन्ट स्ट्रेंथ टू वर्क टू वर्ड्स डेवलपिंग इन ओवर लाइफ एंड दिस इज This is the basic engine. you know. So we are, we are talking about the engine of that model is actually built up with this uh, strength. When we build in these eight uh, strengths, our engine starts working well and we quickly make progress in the forward direction. Okay, now let's talk about the second aspect. So we, we have covered Akanksha, desire, strength. Uh, then we have to look at the usefulness of uh, strength, is only when we prevent its wastage. तो हम स्ट्रेंथ गैदर कर ले पर उसको ठीक से यूज नहीं करें तो विल बी इन मेकिंग प्रोग्रेस एंड इट्स मीनिंगफुल डिप्लॉयमेंट सो आई कॉल दिस ड्रैग राइट सो विच आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ ड्रैग दैट वी हैव टू फाइट अगेंस्ट उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे uh, भारतीय संस्कृति में एक कंसेप्ट है विच इज कॉल्ड संयम संयम का दूसरा अर्थ होता है तप हमारे अंदर यदि हम अच्छी क्वालिटीज डेवलप करना चाहते हैं वी हैव टू ट्रेन अवर माइंड टू इंस्टिल गुड वर्च्यूज वॉट वी नीड टू डू इज समथिंग कॉल्ड इज तप या संयम ओके okay? uh, अपने अंदर की बुराइयों को हटाना जो एक हमारी आदत बन चुकी है उन बैड क्वालिटीज को हटा के उसके बदले अच्छे वर्च्यूज को अच्छी क्वालिटीज को अपने अंदर एस्टेब्लिश करना दिस इज दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज संयम या तप

मेकिंग अ गुड गार्डन इन दैट प्लेस सो सो संयम जो है वो बेसिकली अपने अंदर की बुराइयों को हटा के अपने वेस्टेज को हटा के अपने रिसोर्सेस को सही डायरेक्शन में लगाने का नाम संयम है सो फोर टाइप्स ऑफ संयम आर डिफाइंड चार तरह के तब बताए गए हैं फर्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ टाइम सेकेंड इज कंट्रोल ओवर अवर सेंसेस तो मतलब समय का संयम अपने इंद्रियों का संयम अपने फाइनेंसेस अपने धन का संयम and then control our our thoughts okay so, so this again is a very wide topic in fact the whole uh, classes can be conducted to actually understand this concept of sam we will not go into great detail i will uh, skip some ideas and come to the essential uh, important aspects of you know Saiyam. so uh, for example uh, utilization of time is something which is very important i will not get into detail time management is something which uh, you may have learned today but as you go into profession you will realize time management has its own importance right and in uh, in a professional field what exactly time management means also would be learned as you start progressing in your life so I'll, I'll not talk about time management here i'll talk about the second part which is controlling your senses okay so senses are vital to learn and control the outer world there are two vital aspects of uh, control <laughs> अपने जि के ऊपर कंट्रोल करना मतलब अपने टेस्ट पे कंट्रोल करना एंड सेकेंड वन इज कंट्रोलिंग अवर सेंशुअल डिजायर्स सो आई टॉक अबाउट कंट्रोल ओवर सेंसेस तो ये ये बात मानी गई है इन टू मेंटेन फिजिकल हेल्थ अपना फिजिकल हेल्थ यदि अच्छा रखना है तो देर आर मेनली टू रूट कॉजेज विच एक्चुअली कॉज हेल्थ रिलेटेड इश्यूज

दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन वाई वी बिकम अनहेल्दी ऐसा कहा जाता है कि मैन डिग्स इज ओन ग्रेव फॉर एन अनथ सो अपनी खान पान की आदत यदि हम बुरी रखते हैं ठीक से नहीं रखते हैं तो हम वी आर एक्चुअली डिगिंग अवर ओन ग्रेव चार प्रश्न है खाने के बारे में विच विच आर वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली वी मस्ट ऑल वेनेवर वी आर ईटिंग थिंक अबाउट आर वी रियली डूइंग इट करेक्टली वॉट आर द फोर क्वेश्चन फर्स्ट इज वॉट टू ईट हम क्या खाते हैं वेन शुड वी ईट हमें कब खाना चाहिए हाउ शुड वी ईट एंड मच वी शुड ईट फोर क्वेश्चन अबाउट क्वेश्चन राइट वी आर एबल टू मेनटेन अवर हेल्थ वेरी वेल हिपोक्रेटिसट योर फूड बी योर मेडिसिन हम ऐसा खाना खाएं जो कि खुद ही औषधि बन जाए हमारे लिए

स्टेल फूड स्पाइसी फूड सॉल्ट से भरा हुआ फूड यू नो फैटी फूड ऑल दीज आर एक्चुअली बैड फॉर हेल्थ सिमिलरली फूड विच कॉजिज एसिडिटी इन साइड आर बॉडी और विच रिक्वायर अ लॉट ऑफ एसिड टू बी क्रिएटेड इन द बॉडी टू एक्चुअली डाइजेस्ट तो ऐसा जो फूड है दैट दैट शुड बी अवॉइडेड एंड मोस्ट ऑफ द नॉन वेजिटेरियन फूड एक्चुअली कम्स इन दिस कैटेगरी विद एड टी इन साइड अवर बॉडी सो वी शुड अवॉइड दैट वॉट आर हेल्थी फूड्स Like uh, उट है. right? uh, जब, जब होते हैं इट इज फुल वाइटल एनर्जी प्राण की शक्ति से ओत प्रोत होते हैं इस तरह का खाना जब हम खाते हैं तो इट यू नो नैचुर गिव्स अस एनर्जी मिल्क कर्ड बटर मिल्क फ्रूट्स वेजिटेबल्स ड्राई ग्रेन्स ऑफ फ्रूट दलिया दलिया एक बहुत अच्छा आहार है जिसे यदि हम नियमित रूप से खाए तो वी कैन मेंबाउट समय का संयम इंद्रिया का संयम अब हम बात करते हैं विचारों के संयम पे तो मैं आपको एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूं वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ थॉट

लेट मी वेट हेयर फॉर समाइम दोपहर का समय है थोड़ा जब गर्मी कम हो जाएगी तब मैं आगे बढ़ूंगा तो द मैन एक्चुअली सिट्स डाउट अंडर दैट शेड एंडिंग रिलैक्स वॉट इफ यू नो आई गेट समथिंग गुड टू ईट एंड गुड ड्रिंक टू ड्रिंक यदि ये मुझे मिल जाए तो कितना आनंद आ जाए Interestingly, immediately he sees that there is appears PS one thali which is full of which is full of good uh, things to eat, and he gets uh, uh, you know glass which has uh, some nice uh, drink to drink. He is uh, very happy. So similarly, my ki Let me uh, eat this uh, food. So he eats the food. He is very feels contented, and then he says, "Now my stomach is full. What a nice uh, shade is there." Uh, but you know, all around me there are a lot of these uh, stones and all that. I will not get a good sleep. What if there was a nice bed, you know, with a good mattress and a good pillow? I would lie down, you know, take some nice rest and I'll be, uh, I'll feel happy and then I'll move on. Interestingly, the moment he says that, suddenly appears a bed with a nice uh, cushioned uh, mattress and a good pillow. And this fellow lies down, okay, and feels very happy.

And the moment he says that, the demon actually comes and eats up that man. So what a funny story, but it's very interesting. In our Sanskriti, there is a concept called as Kalpavaksh. Where if you sit beneath that tree and whatever that you wish actually comes true. So he was actually sitting under, under a Kalpavaksh. As long as he was imagining right things, good things were happening to him. The moment he started thinking about the wrong things, suddenly bad things happened to him and actually got eaten up. So, does this Kalpavraksha actually exist? Does Kalpavraksha actually exist? Hai? So, our our culture says that Kalpavraksha actually exists in our brain and in our mind. Okay. Our thinking and mental strength together is this true Kalpavraksha. One who makes best use of these attains excellence and attains the goal of his life. Okay. So, this is the importance of thoughts. When we think correctly, we actually start making progress. If we start thinking incorrectly,

these desires lead to actions and these actions lead to results so if you really want to get good results we must first start focusing on thoughts so for example management styles, so people talk about different types of management what is paid very less attention to is this concept of thought management this thought management is what we need to develop within our own selves the

Then it becomes like a laser light, where all the light waves that you see are in complete synchronization with each other. They are all in the same phase. Right. So this is what is a focused mind. Okay. And uh, when we talk about laser, you would have done this experiment that when we just put it, put a lens in the sunlight, we can actually burn a newspaper when sunlight falls on it. The laser is so powerful that when we put it to a lens, it can actually burn a steel plate and the voltage of this uh, laser may not be very large but just because everything is in sync right it is able to generate great uh, impact it can actually burn through steel plates that is the power of focus ek choti story you will find it very interesting this is taken from a book uh, written by uh, shiram sharma Achareji. this is called as uh, that book is called as sunsan ke sahchar".

So he started thinking, what is actually the difference between these trees? Why is it that trees in the mountains are like this? So one thing which you can observe even through these pictures, what you can observe is there is only one single branch that exists in this uh, tree, right? The whole purpose of that uh, direction of all the energies of this tree is to go up. Whereas these branches, these kind of trees, they have lots of branches so a cake branch that starts developing its own priority and it starts becoming bigger and bigger and overall the height of the tree becomes small this is what happens in our life also when we have the focus in one direction we grow high if we start you know wasting our energies in different types of directions we cannot grow as tall as the way this tree is right it's a very very simple example which tells the importance of focus in our lives so uh, now uh, we have already covered uh, uh, most of the important topics that i wanted to cover uh, we talked about uh, uh, you know, desire we talked about strength we talked about saiyam right and now let's talk about the last two important topics which are swadhyay and sadhana in kahamari kya importance for capacity building if you really want to do well in our lives we must understand the meaning of swadhyay and sadhana so what is Swadhyay? Swadhyay is basically self-study, which means that you know you have to continuously, you know, read good books. And whenever we read good books, we have to understand what is the uh, what is it that these books try to teach you about uplifting our own lives. So, aspas ka world hai, that is mostly you know materialistic world. So the thinking that is there in this materialistic world casts an impact on us. कंटिन्यूसली हमारे ऊपर भी आसपास के लोगों को जो देखते हैं उनकी विचारधारा से प्रभावित होते हैं तो वही विचारधारा हमारे ऊपर भी हावी होने लगती है द स्पिरिचुअल थिंकिंग इज नॉट सो इजी टू गेट सो दिस इज लाइक वेन यू अ टेबल ओवर टाइम डस्ट स्टार्ट अक्यूमिलेटिंग ऑन दैट तो उस डस्ट को हमें रोज साफ करना पड़ता है तो इसी तरह से अपने अंदर जो धीरे धीरे जो बुरे विचार जो हमारे ऊपर आते जाते हैं उन्हें हटाने का काम इस स्वाध्याय के माध्यम से किया जाता है आई ऑल्सो कॉल स्वाध्याय इज द फ्यूल ऑफ दिस इंजिन वेन वी रीड गुड बुक्स यू सीन दैट ऑल actually carry कैरी लॉट ऑफ fuel विद इन and एंड दिस इज द फ्यूल actually एक्चुअली the इंजिन इन साइड विच आर देयर द फायर इन साइड दिन की फ्यूअल सो स्वाध्याय फॉरवर्ड इन द राइट डायरेक्शन स्वाध्याय क्या होता है uh, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे बेसिकली सेल्फ स्टडी इज अः पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक जगह लिखा है कि अच्छी पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं ट लाइट एंड गाइडेंस प्रोवाइडर्स लाइट एंड हमें दिशा देती है हमें तत्काल प्रकाश देती हैं. So, really men, जिसे सत्संग कहा गया है तो so, हम बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो स्पिरिचुअली काफी ऊंचे उठे हुए हों पर उनके पास में न वो समय होता है ना उनके पास में इतनी शक्ति होती है कि हर किसी के साथ इंटरक्ट कर सकें The easiest way of interacting with great men is by reading the books that they have written. They provide us inspiration, they provide us direction, they provide us guidance. They also warn us of dangers. What mistakes can we make our life that we have to down and it is difficult us to They warn us of various dangers. Right? All great masters, leaders and accomplished men have emphasized a need for reading good books. So, अपने जीवन में हमें नियमित रूप से अच्छी किताबों को पढ़ना चाहिए सब ब्यूटीफुल कोट्स होम विदाउट बुक्स इज अ बॉडी विदाउट सोल मतलब अपना घर में यदि आपके घर में किताबें नहीं है तो इट्स लाइक हैविंग अ बॉडी विच हैव सोल एंड वी बिकम द बुक्स वी रीड एवरी डे वी शुड रीड अ लिटल एवरी डे वी शुड रीड अ शुड मेक इट अ हैबिट तो स्वाध्याय जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वॉट शुड वी रीड

there are also lot of good english books and uh, i am happy that i have been associated with uh, this translation work kai kitabe aisi hain jo maine khud translate ki hain and they are also available free to read on this uh, website so i suggest you go to this website and read uh, good books अखंड ज्योति मैगजीन जो कि गायत्री परिवार पब्लिश करता है उसका भी मेन पर्पस यही है कि अधिक से अधिक लोगों को ऊंचे से ऊंचा उठाया जाए right? तो so, अखंड ज्योति मैगजीन Uh, अच्छा लिटरेचर कंडेंस करके बनाया गया है व्यमित uh, रूप से आप इसको पढ़ेंगे तो आपको प्रकाश मिलेगा नो आई कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक व्हिच इज साधना तो साधना के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करना बहुत जरूरी है बिकॉज़ एक्चुअली दिस ह्यूमन बॉडी इज अ स्टोर हाउस ऑफ अमेजिंग कैपेबिलिटीज एक वाक्य हमारे भारतीय संस्कृति में आता है जो जिसे कहा गया है यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे

And this one is actually simulation of this entire universe, right? So this uh, this is the creation of universe. How the uh, universe has been created? It's a simulated image, and you see there is a very very clear similarity between these two pictures. Joe you know it's an interesting representation of the fact that actually all the powers that exist in the universe also exist within a very very tiny uh, part of a human brain. Okay. सो so, इसे इसे ही एक्चुअली एक रिप्रेजेंटेशन है इस बात का कि यत ब्रह्मांडे तत् तो हमारे शरीर में भी इसी तरह के पावर सेंटर्स होते हैं दीस आर कॉल्ड एज पंचकोश या दे आर कॉल्ड एज द शीथ ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस सो देयर एग्जिस्ट पावर सेंटर्स विद इन आवर बॉडी फॉर एग्जांपल द स्वाधिष्ठान चक्र व्हिच इज एक्चुअली सेंटर फॉर ऑल द Zeal enthusiasm एंड vigor वी हैव अ मूलाधार चक्र which is the center for all the courage bravery and inner strength we have agya chakra which is uh, the center for wisdom and intelligence we have rida chakra which is, uh, which is the center of all the human values emotions character honesty responsibility affection qualities they actually the center of that is in the rida chakra and finally the sahasra chakra which is a center for all the joy peace contentment and inner happiness

सन प्राणायाम प्रत्या ध्यान धारणा समाधि आई फोकस ओनलीस मेडिटेशन विद गायच इज पार्ट ऑफ दिस या तो ध्यान का क्या महत्व है और गायत्री मंत्र का क्या महत्व है इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कंसेप्ट ऑफ गायत्री मंत्र रियली इज वी है सन and the rising sun is a symbol of that power which actually generates the energies within us. We are all surviving because of this power which is given by sun. So we pray to sun, the rising sun. We actually sit in front of the rising sun. Imagine that all its power is actually getting absorbed within us. हमारे अंदर वो पूरी ईश्वर की सूर्य की शक्ति अंदर समाहित हो रही है. अब वो मंत्र है ओम भूर्वस्वह तत्सवितोर वरेन्यम

This has been proven in lots of laboratories today that it is a profound mantra. It generates bioelectrical impulses. It sensitizes the endocrine glands. It activates neurohormonal secretions. It harmonizes the healthy functions of the body. creativity It leads to emotional peace and cheerfulness. Okay, so this is this is Gayatri. This is the concept of Gayatri. Uh, if we, if I go back to that picture which I had uh, shown you right in the beginning, uh, spirituality really means enlightening intellect. So Gayatri Mantra jo hai wo actually uska jo akhri part hai it says धियो योना प्रचोदया. What we pray to this immense energy is to enlighten our intellect. हमारी बुद्धि का विकास हो, हमारी बुद्धि में अधिक से अधिक ज्ञान के वृद्धि हो, so that we can understand the purpose of our lives, or साथ ही साथ में गायत्री मंत्र ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग द पावर ऑफ माइंड ओके उसके अंदर प्राण की वृद्धि मन के अंदर जो प्राण की वृद्धि होती है गायत्री मंत्र के माध्यम से होती है सो वी दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अडोप्टिंग गायत्री मंत्र इन आर लाइफ इट विल हेल्प अस इन एनलाइटनिंग आर इंटेलेक्ट इट विल मेक आर माइंड स्ट्रांग सो दैट द होल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी मूव इन द राइट डायरेक्शन इट टेक्स टूवर्ड ऑफ आर लाइफ

So, so like this, the entire human body actually gets activated when we chant this mantra. and various energy centers that are lying inside the body, they get activated by chanting gayatri mantra. so what is gayatri meditation? Uh, we have to spend about 15 minutes every day uh, doing gayatri mantra chanting. idea is to focus on rising sun, immersing ourselves in its power. this will significantly enhance the inner energies. this will calm our mind. it will increase our focus it will increase confidence and it will awaken the hidden power centers in the body okay so so this is the importance of uh, gayatri meditation and now i uh, conclude my presentation i have taken quite some time i have tried to give you an overall gist of capacity building how can we do well in all our uh, lives so uh, first part of the talk uh, i'm just recapitulating what i had uh, covered first part of the talk is developing understanding which is

Uh, capacity building really means instilling qualities and strengths which help us attain uh, to gain the effectiveness. Okay, the takeaways. So what we talked about is a model for attaining excellence. You saw uh, how I described uh, thrust, lift, drag, gravity. I talked about engine, which is the intensity of desire and acquisition of uh, strength. Then we talked about how to reduce drag by re adopting SIAM. SIAM of time समय का संयम धन का संयम विचारों का संयम और अपने इंद्रियों का संयम एंड द टू इंपॉर्टेंट टूल्स विच एक्चुअली हेल्प अस इन अटेनिंग यू नो डेवलपिंग दिस कैपेसिटी बिल्डिंग आर कैपेसिटी इट कम्स थ्रू स्वाध्याय एंड गायत्री साधना ओके सो दिस इज द ओवरऑल प्रेजेंटेशन थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग Uh, in case you people have more questions if you'd like to discuss further uh, shri p d saraswath who's the main coordinator of this event i'm giving his uh, number to you you can contact to him through whatsapp uh, this is his email id i'll keep this on for you you can note down if you would require in case you want to get in touch with me, if you found anything useful, if you have some comments, if you uh, you know want to learn a little more, if you have any questions which you would like me to answer, this is my email ID. To get some more idea about uh, our own websites, uh, if you want to know a little more about Gayatri Parivar, you can go to this awgp.org. I had earlier also given the literature.awgp.org where you can find a lot of good books. This is the Dev Sanskriti University uh, website.

तो हम चाहेंगे कि उनका अनुभव और उन्हें कैसा लगा या उनके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो ऐसे तीन चार फैकल्टी मेंबर जिनका तो नाम लेना चाहूंगा उनको आप अगर थोड़ा सा मौका दें और इसके बाद आप भी थोड़ा दो लाइन बोलें हम ये चाहेंगे इसमें एक हैं पुष्कर त्रिपाठी जी हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं वो गायत्री परिवार से जुड़े भी रहे हैं और लगातार इसमें रहे तीन दो घंटे के कार्यक्रम में एक हैं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी और डॉक्टर मनोज जी तो ये तीनों लोग लगातार जुड़े रहे हैं हम चाहेंगे कि आप इन्होंने एक एक, एक मिनट में अगर ये कुछ अपना कैसा लगा कार्यक्रम और अगर कोई क्वेश्चन है तो सर आप पूछें तो आप समर्थ जी प्लीज इन लोगों को थोड़ा सा एक एक मिनट आप जरा हाजी संतोषी को अपना ऑडियो ऑन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है, कि उनने अपना जो आता है वो ऑप्शन स्विच ऑन नहीं किया है तो दूसरे उनको किसी को अगर वो नहीं है तो इनको मनोज जी और इनको देख लीजिए अगर होंगे तभी बताते हैं डॉक्टर पुष्कर इनको देख लीजिए डॉक्टर पुष्कर डॉक्टर मनोज डॉक्टर पुष्कर और डॉक्टर मनोज है दीपा देख लीजिए मनोज जी आप बोल सकते हैं आपको अनम्यूट कर दिया गया थैंक यू वेरी मच सर आ, मैंने जो सुना सर आपका लेक्चर बहुत ही बढ़िया मुझे लगा डॉक्टर अमिताभ शराफ सर का उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से जो बताया कि कई ऐसे टॉपिक्स पर कि हमें अपने जीवन के बारे में किस तरह से जीना है